तीन दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने शनिवार को फवारा चौक में पंचधातु से निर्मित महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं उन्होंने गांधी बने बच्चों पर फूल भी बरसाए। इस अवसर पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचार आज की आवश्यकता है। हम इन्हें अपने जीवन में अपनाकर ही देश को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज विदेशों में भी लोग गांधी सभ्यता और विचारधारा पर अमल कर रहे हैं, पर आज हम अन्य देशों को देखें, किस प्रकार यूरोप के देश हों, अमेरिका के हों, अपने राज्य हों, आज फिर से हमें उसी पटरी पर उतरना पड़ेगा। अगर हम अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज बापू जी को याद करते हुए मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं आप सबको जो आप उपस्थित हुए, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम नई पीढ़ी को, ये नई पीढ़ी जो है, आज के बच्चे हैं, आज जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं, इनको भी बापू जी की सोच, उनके नजरिए, उनके दृष्टिकोण से जुड़े, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हम संकल्प लें। इस दौरान सांसद नकुलनाथ की पहल पर और उनकी मांग पर फवारा चौक का नाम भी बदलकर गांधी चौक रख दिया गया है। कि ये जो चौक में हम खड़े हैं, जो पहले फवारा चौक के नाम से जाना जाता था, आज से ये गांधी चौक के नाम से जाना जाएगा। अनावरण समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, छिंदवाड़ा।